बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ आपका दोस्त दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं घर जल्दी आ गया हूँ, क्यों मैं जा रहा हूँ जुमा पढ़ने, और इसलिए मैंने आपसे जल्दी छुट्टी की है। थोड़ी ही देर में मुझे भाई पिक करने आएंगे और शाम इकट्ठे जाएंगे जुमा पढ़ने, और आज शायद रमज़ान से पहले आखिरी जुमा हो, और आज शाम तरावी भी हो सकती है। आज सुबह से मौसम काफ़ी सर्द था, थोड़ी धूप निकल रही है, कहीं बादल हैं। इस साइड से काले बादल आ रहे हैं, और थोड़ी देर पहले स्नो हो रही थी, जो लाइट सी पर अब ख़त्म हो गई है। नमाज़ पढ़ के घर आया ही हूँ कि देखें ये दोबारा स्नो होना शुरू हो गई है। ज़्यादा फास्ट नहीं है, स्लो है, पर मौसम जो है इतना ज़्यादा सर्द नहीं है कि ये स्टे करेगी। ये थोड़ी देर के लिए पड़ेगी, दोबारा धूप निकलेगी या बारिश पड़ेगी, ये ख़त्म हो जाएगी। मैक्सिमम 4 या 5 मिनट के लिए स्नो पड़ी है, और देखें ये सारा बादल चले गया और ये दोबारा धूप निकलना शुरू हो गई है, और जो ज़मीन है बिल्कुल विदाउट स्नो है। ये मौसम आपका काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है, कभी बारिश पड़ती है, कभी स्नो, कभी ओले, और कभी धूप निकल आती है। इस्माइल आ गया स्कूल से घर, और आज मैं आपसे पहले घर पहुंच गया हूं। कैसे पहुंचा हूं? हाफ डे था। लीजा भी आ गई है। हैं लीजा, पी के कपड़े पहने हुए आपने? मैंने पी ने की थी, बस टीचर डिफरेंट क्लास टीच कर रहे थे और इतना बिजी थी। अच्छा, और फुटबॉल स्कूल से लेकर आए, साथ ले गए थे? नहीं, मैं सोने घर से बाइक ही पर घर में रखवाया था कब। अच्छा, और लीजा आपका कैसा रहा दिन आज? ठीक था। वाओ, इसे गार्डन में खेलना ना, इसे क्यों खेल रहे हो? और तला और अब्दुल रहमान भी स्कूल से आ गए। तला कैसा रहा दिन आज? आज ठीक था। अरे सुमाई, अब्दुल रहमान आपका ठीक था? ये मुंह को क्या हुआ दोनों के आपके? बहुत सर्दी थी। और स्माइल पहले आ चुका होगा। और स्माइल आज गर्मी थी, उस गर्मी में स्नो हो रहा था। आज स्नो हो रहा था, मैंने कैप्चर किया स्नो। सनी था, स्नो हो रहा था 5 मिनट के लिए हुआ, 10 मिनट के लिए। बट रियली सनी था। पी थी आज आपकी? नहीं आपकी नहीं थी। हाँ, आज हमने स्कूल में जुम्मा भी पढ़ा। किस जगह पे? मिस्टर इकबाल ने पढ़ाया था। वेल डन, एक्सीलेंट, गुड बॉयज। चलो कपड़े चेंज करो और खाना वगैरह खाओ। इस्माइल आ गया मेरे पास, और इस्माइल पूछा कि वीडियो कैसे एडिट करते हैं। कैसे करते हैं? आप बताओ कैसे करते हैं? अडोबी के साथ करते हैं। अच्छा, आपको पता है आपको कैसे पता चला कि अडोबी के साथ करते हैं? यूट्यूबर ने बताया था। कौन सा यूट्यूबर था वो? कौन सा? रॉय टॉयज रिव्यू। अच्छा अच्छा अच्छा, उसने बताया था आपको। गुड वन, इसका मतलब स्माइल को साफ पता कि वीडियो कैसे एडिट करते हैं, है ना? गुड बॉय। ये देखें जी, आज का लंच, बच्चे तो स्कूल से आके बड़ा अच्छा लंच करते हैं। इस्माइल आप ही लंच कर रहे? मेरा और है। क्या खाओगे आप? अंडा पराठा। अच्छा, अंडा पराठा खाओगे आप? आप नहीं खाते बर्गर? ना। क्यों? तो कुछ अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है? अंडा पराठा अच्छा होता है। मैं तो आज बर्गर खा रहा हूँ। अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, मैंने स्वाद किया तो अच्छा नहीं था। अच्छा, तो आप अंडा पराठा खाओगे? अच्छा नहीं। इस्माइल कर रही है अपना लंच, और इस्माइल खाता है हमेशा अंडा पराठा। हमेशा अंडा पराठा खाते हो, कुछ और भी खाते हो? खाली अंडा पराठा खाता है एवरी टाइम। और मैं क्या खाने लगा हूँ? मैं खाने लगा हूँ बर्गर के बाद ये स्वीट।
جب میں نماز پڑھنے گیا تھا وہاں پہ ایک شاپ تھی وہاں سے لے کر آیا ہوں. کیا لکھا ہوا اس کے اوپر؟ سوفرا سوفرا سوفرا. ہاں یہ شاید سوفرا کا شکل ہے. ترکیش ہے شاید. ہاں ترکیش. ترکیش ترکیش ہے. ترکیش پٹین سٹیکس. چلو کھانا کھاؤ آپ جلدی فنش کرو. میں سے جاؤ گے پھر کدھر؟ کل کل رمضان ہوگا تو پھر شاپنگ کرنی ہے نا ہمیں تھوڑی سی. او یا چلو صحیح ہے. روزہ رکھو گے کل آپ؟ ہاں شہری روزہ. شہری روزہ سہری کرتے پھر لنچ کھاتے پھر ڈنر کھاتے پھر سٹاپ کرتے پھر سو جاتے. اچھا گڈ بوائے. آج ہمارا پہلا روزہ ہے اور رمضان کا سٹارٹ ہو چکا ہے. صبح صبح کا ٹائم ہے اور ہم اٹھ گئے ہیں سحری کے لیے. وہ اسماعیل عبد الرحمٰن اور طلحہ. طلحہ کو لگی سردی اس میں چادر لے بیٹھی ہوئی ہے اور عبد الرحمٰن نے کمبل. اور ہم اب سحری کریں گے. کیا کہہ رہے ہو آپ؟ اچھا آپ بھی روزہ رکھ رہے ہو. چلو صحیح ہے ماشاء اللہ. صبح سحری کر کے ہم سو گئے تھے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھے ہیں اور دیکھا ہے کہ باہر موسم بہت اچھا ہے. دھوپ نکلی ہوئی ہے. میں نکلا ہوں باہر اور دھوپ کافی اچھی لگ رہی ہے. اچھا سو گیا تھا اوپر کے لیے اوپر. اور اسماعیل بھی سو گیا تھا. کمفرٹیبل نہیں تھا. ابھی بات لی آپ نے؟ اسماعیل نے بات لی اور باہر آ گیا. اور موسم آج کافی اچھا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں جائیں گے ہم ٹاؤن. وہاں سے ہم نے کچھ شاپنگ کرنی ہے رمضان کی تیاری. اور عبد الرحمٰن بھی آ گیا جی. مرغیوں کو میں نے کھول دیا. میں کہتا ہوں یہ دھوپ میں ذرا گھوم پھر لیں. وہ یہ دیکھیں ہماری ایک مرغی. یہ اصیل مرغی. دو ہیں یہ اصیل مرغیاں. یہ میرے دوست نے مجھے گفٹ کی تھیں. یہ سات تھیں اور باقی جو ہے نا وہ بیماری کی وجہ سے مر گئیں. یہ دو بچی ہوئی ہیں. اور یہ باقی نارمل مرغی ہیں. یہ اور وہ دیکھیں. یہ زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. اوپر جو ہے نا وہ باز بیٹھا ہوا ہے ریڈ کائٹ. وہ دیکھ رہا ان کو. ابھی میں لے لے گا بات فریش ہوتا ہوں. اس کے بعد جائیں گے شاپنگ کرنے. اور آج کا ولاگ یہی ختم کرتے ہیں. نئے ولاگ کا دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی نئی ویڈیو ملتے رہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ کرو. کدھر ہو؟ اللہ حافظ. اوپر کرو. اچھا بال تھرو کر دیں گے. ہاں چلو کراؤ. اوکے اللہ حافظ.